नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 506 के 150 एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन सीरीज में पार्ट नंबर 2 में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पे करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है जहां कि मैंने आपको डीलेट कोर्स 506 के 150 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 1 में वहां पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को आप देख लें। और डीलेट कोर्स 507 के भी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उनसे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 506 के 150 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 2 में क्वेश्चंस को यहां पे करेंगे। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, चुनौतियों व संकटों का सामना करने के लिए व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, मूल्यांकन करने की ऑप्शन बी दिए गए हैं, संबंध स्थापित करने की ऑप्शन सी दिए गए हैं, विश्लेषण करने की ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप यहां पे कमेंट्स कर सकते हैं, यहां पे आप ए बी सी डी करके कमेंट्स करें, जो भी आपको इसका सही आंसर लगता है वो आप यहां पे कमेंट्स करें। और लास्ट में आप ये भी कमेंट्स करें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सृजनात्मक व्यक्तियों में पाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, वे जटिलता और कुछ हद तक घटनाओं में असंतुलन पसंद करते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं, वे अधिक प्रभावी और स्वमुखर हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं, वे भावनाओं के नियंत्रण के लिए दबाव के तरीकों को नहीं मानते, ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी जो भी यहाँ पे दिए गए ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, तैयारी, उष्मायन, मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति किस चिंतन की भिन्न अवस्थाएं हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, सृजनात्मक, ऑप्शन बी दिए गए हैं, भिन्न, ऑप्शन सी दिए गए हैं, आलोचनात्मक, ऑप्शन डी दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि सृजनात्मक। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीलेट करें उन सबों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। फिर यहां पे देखें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बाधाएं किस चिंतन से संबंधित है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे बाधाएं दिए गए हैं, जैसे कि पूर्वाग्रह, कार्यात्मक स्थिर अवस्था, सीखी गई, लाचारी, तार्किक चिंतन। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, भिन्न, ऑप्शन बी दिए गए हैं, आलोचनात्मक, ऑप्शन सी दिए गए हैं, सृजनात्मक, ऑप्शन डी दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि सृजनात्मक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों के जीवन में सृजनात्मक चिंतन को किस तरह से बढ़ावा ला सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, जिज्ञासा को प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन बी दिए गए हैं, उपमा के उपयोग को प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन सी दिए गए हैं, स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर, ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, किसी की परिस्थितियों, वस्तुओं, अवधारणों, विचारों से संबंधित प्रश्न पूछने वो जवाब देने की क्षमता को डैश कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, प्रश्न कौशल, ऑप्शन बी दिए गए हैं, उत्तर कौशल, ऑप्शन सी दिए गए हैं, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रश्न कौशल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश कक्षा में बच्चों में प्रश्न पूछने के कौशलों को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, विश्वास का वातावरण बनाएं और प्रश्नों को प्रोत्साहन दें, ऑप्शन बी दिए गए हैं, भिन्न प्रश्नों को प्रोत्साहन दें, ऑप्शन सी दिए गए हैं, हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या घटाएं, ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए थे ए बी सी ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, परिवार के कौन से कारक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चों की कर्मिक स्थिति, ऑप्शन बी दिए गए हैं, भाई बहनों में आपसी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी दिए गए हैं, भाई बहनों में असफलता की तुलना, ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्वयं अवधारणा को प्रभावित करते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, शारीरिक स्थिति, ऑप्शन बी दिए गए हैं, शरीर का गठन, ऑप्शन सी दिए गए हैं, विद्यालय का वातावरण, ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्वयं की अवधारणा को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, नाम और उपनाम, ऑप्शन बी दिया गया है, लचीलापन, ऑप्शन सी दिया गया है, सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन डी दिया गया है, लिंग।
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि लचीलापन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस जर्मन दार्शनिक ने 1880 में पहली बार वैल्यूज यानी कि मूल्य शब्द का प्रयोग किया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है फ्रेडरिक नीत्से, ऑप्शन बी दिया गया है पॉल गिलफोर्ड, ऑप्शन सी दिया गया है ब्लूम, ऑप्शन डी दिया गया है जोहान एम स्टीपन्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल्यों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन बी दिए गए हैं क्रांतिकारी मूल्य, ऑप्शन सी दिए गए हैं आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन डी दिए गए हैं सामाजिक मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि क्रांतिकारी मूल्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस अनुशासन में बच्चे को यह जानने का अधिकार है कि नियम क्यों बनाए गए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अनुमोदक, ऑप्शन बी दिया गया है सत्तावादी, ऑप्शन सी दिया गया है लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि लोकतांत्रिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित किस अनुशासन में यह बताने का प्रयास नहीं किया जाता है कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं और बच्चों ने उन्हें क्यों मानना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सत्तावादी, ऑप्शन बी दिए गए हैं अनुमोदक, ऑप्शन सी दिए गए हैं लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि सत्तावादी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अभिवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हमारी सफलता और अझलना हमारे कार्य व क्षमताओं के प्रति हमारी अभिवृत्तियों पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी दिए गए हैं अभिवृत्तियां व्यक्ति की कुछ चुने हुए लोग समूह या संस्थानों के समायोजन को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं अभिवृत्तियों का अवलोकन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी दिए गए हैं अभिवृत्तियों का प्रकट व्यवहार द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अभिवृत्ति के घटक व्यवहार में छलकते हैं, व्यवहार के कितने अवयव हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दो, ऑप्शन बी दिया गया है तीन, ऑप्शन सी दिया गया है चार, ऑप्शन डी दिया गया है पांच। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि तीन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, अभिवृत्ति का दूसरा अवयव डैश है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है व्यवहार, ऑप्शन सी दिया गया है भावनाएं, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि भावनाएं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अभिव्यक्ति का तीसरा अवयव है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहार, ऑप्शन बी दिए गए हैं भावनाएं, ऑप्शन सी दिए गए हैं तत्परता, ऑप्शन डी दिए गए हैं ज्ञान। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि व्यवहार। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चे की अभिव्यक्तियां सबसे पहले कहां विकसित होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय, ऑप्शन बी दिया गया है घर, ऑप्शन सी दिया गया है मित्र मंडली, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त तीनों स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि घर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों में अच्छी अभिव्यक्तियों के विकास में शिक्षक की भूमिका मुख्य है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतर चर्चित अभिव्यक्तियां वो कार्य हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है देखभाल एवं दया का प्रदर्शन, ऑप्शन बी दिए गए हैं जिम्मेदारी बांटना, ऑप्शन सी दिए गए हैं संवेदनशीलता से भिन्नता को स्वीकारना, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी जो दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत निर्देश को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वह बच्चों की योग्यताओं पर कार्य करें, ऑप्शन बी दिए गए हैं वह बच्चों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करें, ऑप्शन सी दिए गए हैं मुख्य अध्यापक दूसरे अध्यापकों को सकारात्मक आत्मविश्वास बढ़ाने में प्रेरित करें, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी जो दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रभावी शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ठीक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों के कल्पनात्मक होने की सराहना करते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं बच्चों के ग्रेड पर अधिक बल देते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं बच्चों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल देते हैं, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि बच्चों के कल्पनात्मक होने की सराहना करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बाल विकास में अनुभूति के महत्वपूर्ण होने के कौन से कारण हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं समाजीकरण, ऑप्शन बी दिए गए हैं ज्ञान अर्जन, ऑप्शन सी दिए गए हैं स्मृति, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार खेल के संबंध में कौन सा कथन ठीक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है खेल बच्चों के विकास और अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन बी दिए गए हैं खेल भाषा विकास और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी दिए गए हैं खेल उच्च स्तर की सोच व सामाजिक कौशलों के विकास के लिए लाभप्रद है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं,
एक खिलौने का या पहनने के लिए कमीज का चुनाव किस अभिप्रेरणा का परिणाम है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आंतरिक, ऑप्शन बी दिए गए हैं बाहरी, ऑप्शन सी दिए गए हैं ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि आंतरिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हट के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हट एक कार्य के साथ काफी लंबी अवधि तक रहने की क्षमता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं बच्चे चुनौतीपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से हट सीखते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं हट विकसित करने के लिए ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए जो वह बहुत मुश्किल हो, ऑप्शन डी दिए गए हैं हट विकसित करने के लिए ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए जो बहुत मुश्किल ना हो। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि हट विकसित करने के लिए ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए जो बहुत मुश्किल हो। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा संकेत अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चुनौती का चुनाव, ऑप्शन बी दिए गए हैं हट ना करना, ऑप्शन सी दिए गए हैं व्यस्कों पर निर्भरता, ऑप्शन डी दिए गए हैं भावना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि हट ना करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यह कथन किसने कहा है? कथन दिए गए हैं समस्या मतभेदों का सफाया करने की नहीं है बल्कि मतभेदों को बरकरार रखकर कैसे एकजुट हुआ जाए की है। तो ये कथन किसने कहा है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिए गए हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समावेशी शिक्षा क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन बी दिए गए हैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो उच्च वर्ग के बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन सी दिए गए हैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक दृष्टि से समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सभी बच्चे अपने आसपास के विभिन्न लोगों से संबंध बनाते हैं और यह उनके जीवन की मुख्य धारा के लिए तैयार करता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं समावेशन में डर कम करने और मैत्री विकसित करने की क्षमता है, ऑप्शन सी दिए गए हैं साथियों के बीच आपसी सम्मान समझ और करुणा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी जो दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के लाभ को दर्शाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है समावेशी शिक्षा गरीब और अपवर्जन के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है, ऑप्शन बी दिए गए हैं यह बच्चों को उनके परिवारों और समुदाय के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन सी दिए गए हैं यह भेदभाव को मिटाती है जो हर समाज में बड़े पैमाने पर फैला है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकत्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में स्थान देना, ऑप्शन बी दिए गए हैं विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूलों में स्थान देना, ऑप्शन सी दिए गए हैं विकलांग का पृथक्करण नहीं, ऑप्शन डी दिए गए हैं बच्चों की अक्षमताओं को उजागर करना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक समावेशी शिक्षकों को प्रभावित करते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षार्थियों की विविधता, ऑप्शन बी दिए गए हैं शिक्षकों की तैयारी, ऑप्शन सी दिए गए हैं भौतिक सुविधाएं, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यह कथन किससे संबंधित है? हर कोई प्रतिभाशाली है परंतु यदि एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन होगा तो वह पूरा जीवन यह मानती रहेगी कि वह बुद्ध है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं कथन किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी दिए गए हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से तरीके मूल्यांकन की कठोरता की समस्या को हल करने में सहायक है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रूपांतरण, ऑप्शन बी दिए गए हैं विस्थापन, ऑप्शन सी दिए गए हैं क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता शिक्षण कौशल में बाधा पहुंचाती है?
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, अधिगम संबंधी ऑप्शन बी दिए गए हैं, सामाजिक भावनात्मक वो व्यवहारगत ऑप्शन सी दिए गए हैं, भाषा और संप्रेषण ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा में पाए जाने वाली संवेदी हानियां कौन कौन सी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है श्रव्य, ऑप्शन बी दिए गए हैं दृश्य कठिनाइयां, ऑप्शन सी दिए गए हैं गठिया, ऑप्शन डी दिए गए हैं ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि ए और बी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे अपने आर्थिक सामाजिक वो मनोवैज्ञानिक वातावरण में समस्याओं का सामना करते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है गरीब परिवार के, ऑप्शन बी दिए गए हैं दिहाड़ी पर काम करने वाले, ऑप्शन सी दिए गए हैं बेघर परिवार के, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों में प्रारंभिक स्कूल की उम्र में होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं गठिया, ऑप्शन बी दिए गए हैं मिर्गी, ऑप्शन सी दिए गए हैं कुपोषण, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं किशोरावस्था, ऑप्शन बी दिए गए हैं प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी दिए गए हैं बाल्यावस्था, ऑप्शन डी दिए गए हैं शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि किशोरावस्था। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भविष्यवाणी, ऑप्शन बी दिए गए हैं सतत विकास, ऑप्शन सी दिए गए हैं बोधात्मक विकास, ऑप्शन डी दिए गए हैं एकीकरण। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि बोधात्मक विकास। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी दिए गए हैं बाल्यावस्था, ऑप्शन सी दिए गए हैं किशोरावस्था, ऑप्शन डी दिए गए हैं शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि किशोरावस्था। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं अनुवांशिक कारक, ऑप्शन बी दिए गए हैं भावनात्मक कारक, ऑप्शन सी दिए गए हैं जैविक कारक, ऑप्शन डी दिए गए हैं भौतिक वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि भौतिक वातावरण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शैशवावस्था कब से कब तक होती है, यानी कि किस उम्र से लेकर किस उम्र तक शैशवावस्था होती है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन बी दिए गए हैं जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी दिए गए हैं 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी दिए गए हैं 12 से 19 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि जन्म से 2 वर्षों तक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी दिए गए हैं प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन सी दिए गए हैं वयस्कावस्था का समय, ऑप्शन डी दिए गए हैं मध्यावस्था का काल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 वर्ष की आयु में एक बच्चे के शब्दावली सीखने की संख्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं 272, ऑप्शन बी दिए गए हैं 896, ऑप्शन सी दिए गए हैं 892, ऑप्शन डी दिए गए हैं 1000। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 896। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये फिर इंडी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हैं, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं साधारण आसान, ऑप्शन बी दिए गए हैं सामान्य विशिष्ट, ऑप्शन सी दिए गए हैं जटिल कठिन, ऑप्शन डी दिए गए हैं विशिष्ट सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बात के बचपन का स्तर होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी दिए गए हैं 12 से 19 वर्ष तक, ऑप्शन सी दिए गए हैं 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 6 से 12 वर्षों तक। तो ये दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और दोस्तों ये डीएलएड कोर्स 506 के 150 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद एक पार्ट यहाँ पे और आएंगे यानी कि एक वीडियो और आएगा, तो उसे भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते थे डीएलएड कोर्स 506 में, वो सारे क्वेश्चंस इन 3 वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जाम को लेकर। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 507 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बनते थे वो सारे क्वेश्चंस को किया है। अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा है तो उन सही वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सही वीडियो को देख सकते हैं।
और दोस्तों डीएलएड कोर्स 506 और 507 का जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर था वो भी मैंने आपको कराया है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते थे तो वो सारे क्वेश्चन को वहाँ पर कराया गया है, तो उन सभी क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। और आगे इसी तरह के वीडियो सर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।